नमस्कार दोस्तों, मैं गुरबिंद शीशक, जिला एटा उत्तर प्रदेश से आज आपको शुगर, डायबिटीज, मधुमेह आदि नामों से जिसको जाना जाता है, घर घर में व्याप्त हो गई है ये बीमारी, उसके बारे में कुछ टिप्स दे रहा हूँ। उसको अगर आप उस टिप्सों को अगर अपनाएंगे तो अगर आपको शुगर नहीं है तो दोबारा होगी नहीं आपको कभी, और जिनको हो गई है तो उनकी नॉर्मल हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, सुबह या शाम को जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम लोगों के अंदर क्या चीज़ है कि खाना खाए और बिस्तर में लेट गए, बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं आप लोग। खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है, ये ध्यान रखिए। खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम टहलें, टहलने के बाद में आप पेशाब करने जाएं, पेशाब करने के बाद में आपको जो काम करना है वो करिए, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। कायदा तो ये कहता है खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट आप दाएं करवट, 5 मिनट बाएं करवट, फिर 5 मिनट सीधे आपको शवासन में लेट जाना है। शवासन का मतलब बिल्कुल जैसे मुर्दा लेट जाता है, आपको कुछ हलचल नहीं करनी है बिल्कुल। उसके बाद उठेंगे, उठने के बाद में आप टहलेंगे, टहलने के बाद पेशाब करेंगे, उसके बाद अपने काम करना है। अब बात आती है आपको करना क्या है अगर आपको शुगर हो गई है। शुगर के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको शुगर हो गई है तो आप आम, आम के पत्तों का काढ़ा बना के पीना शुरू कर दीजिए, आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा कद्दू, कद्दू की सब्जी मेथी में तड़का लगा कर बनवाइए, वो खाइए, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा एक उपाय दे रहा हूँ आपको, अनार जो मार्केट में आता है, अनार, ये अनार मेरे पास नहीं है लेकिन ये आपका प्याज है तो जो लाल कलर का आता है अनार वो ले लीजिए, उसके 4 पीसेस करने हैं। जो आपको बेचने वाले होते हैं, फल वाले होते हैं, वो यूं करके काट करके उसके 4 पीसेस करते हैं, उसके बाद उसका छिलका हो उतार देते हैं, उसको उतारने के बाद में ये 4 पंखुड़ी करके वो रख देते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, सब लोग देखते हैं। रखने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें सेंधा नमक उसके ऊपर रख देना है, सेंधा नमक जिसे काला नमक बोलते हैं, सेंधा नमक वो उसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद में आपको वो उसमें रख देना है, वो शाम को टाइम में, रात में, पूरे रात रखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कहीं उस पर ऐसी चीज ना गिर जाए कि दिक्कत हो, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ ओस पड़नी चाहिए प्रॉपर, किसी पेड़ के नीचे न रख दीजिए ताकि कोई कौवा या कोई जानवर या फिर कोई पशु पक्षी उसके ऊपर वीट कर दे, इस पर इसका ध्यान रखिएगा। तो ऐसी जगह रखिए ताकि ऊपर कुछ ना हो और ओस गिरनी चाहिए उसके ऊपर। इसके अलावा आपको करना क्या है, सुबह उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो करके ये अनार आपको खा लेना है, ये आप 15 से 20 दिन करिए आप, फिर उसके बाद अपना शुगर लेवल चेक कराइए। खाना जब आप हमारा जो प्रयोग शुरू करें उससे पहले चेक करा लीजिए, उसके बाद प्रयोग करने के बाद 15-20 दिन के बाद अपना शुगर चेक कराइए, उसके बाद मुझे बताइए कि आपका शुगर लेवल कितना बचा। मेरा नंबर है 94-66-62-35-19। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों को अधिक अधिक फायदा हो। इससे मैं ऐसे ही घरेलू नुस्खे और सस्ते नुस्खे, एकल दवाइयों से नुस्खे बताता रहूँगा आपको, आपकी सेवा करता रहूँगा, ऐसी सेवा का मौका मैं देते रहें। अगर आप शुगर की दवा बनी हुई हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप शुगर की दवा हमसे बनी हुई प्राप्त करना चाहते हैं तो आप, 6 महीने का मेरा कोर्स है, सप्ताह में केवल एक बार दवा लेनी होती है। जिन लोगों के पैर सड़ गए हैं, कट गए हैं, जिनको सही नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर बोल दिया इसको काटना पड़ेगा, तो कटवाइए बिल्कुल मत, आप सीधे हमसे संपर्क करिए, आप मेरी दवा लीजिए। 3 महीने में वो आपका कटा सड़ा कैसा भी घाव होगा वो आपका भर जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। और 6 महीने का कोर्स करने बाद में आप
ढूंढते रह जाएंगे आपकी शुगर कहाँ गई। यकीन मानिए, यकीन यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, आपको आपकी जो समस्या है शुगर की वो ठीक हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपने जो प्रोडक्ट हैं वो आपको बता देता हूँ। शुगर की दवा अपनी बात है, ये गुप्त रोगों के संबंधित कोई भी समस्या है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। पथरी, किसी भी प्रकार की पथरी है, सप्ताह में केवल एक बार दवा लेनी होती है। किडनी की पथरी है, एक महीने में 35 mm तक की पथरी हमारी दवा निकाल देती है केवल एक बार दवा लेने से, केवल सप्ताह में एक बार दवा लेनी होती है तो उससे आपकी पथरी भी निकल जाती है। और जोड़ों का दर्द, गठिया बाई, साइटिका, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो निसंकोच आप मेरा नंबर लगाइए, नंबर है 94662635119 9466623519। नंबर को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, गुरबेन सिंह शाक्य। तो आपकी सेवा हम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और ये जो जानकारी है वो उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको वाकई में इसकी आवश्यकता है। सस्ते नुस्खों से, अच्छे नुस्खों से इलाज करिए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और इस जानकारी को आगे तक पहुंचाइए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयुर्वेद को महंगा ना बनाए। आयुर्वेद को महंगा बनाने से क्या होता है, हम जन जन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो एक बार मेरे पास कॉल करिए, सस्ते में अच्छी दवाई प्राप्त करिए और ठीक होइए। सुरोग सुधा के लिए अपनी बीमारी का अंत करिए, निरोग रहिए, खुश रहिए, बस ऐसी आशा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।